भारत के धरती पर जन्मा ऐसे वीर जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े हुकूमत के निंद और होश उड़ाने वाले एक ऐसा करार योद्धा जिसकी सत्ता में मुगल हुकूमत का नामो निशान मिटा दिया था। पूरे देश में हिंदुत्व भगवा हुकूमत लहराने वाले जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। जब भी भोसले परिवार का जिक्र किया जाता है तो केवल बाबाजी भोसले के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी मिलती है। बाबाजी भोसले के दो बेटे थे, मालोजी और विठोजी। वे दोनों वेरुल और भुवनेश्वर क्षेत्रों में निजामशाही के संरक्षण में मालोजी और विठोजी भोसले का उदय हुआ। मालोजी भोसले के पास पूना और सुपे इलाके की जहांगीरी थी। मालोजी के दो बच्चे शाहजी और शरीफ जी भोसले। मालोजी के पुत्र शरीफ जी भोसले की पत्नी का नाम दुर्गाबाई था। भटवाड़ी की प्रसिद्ध लड़ाई के दौरान शरीफ जी अहमदनगर में मारे गए थे। अब शाहजी भोसले। यदि शाहजी राजा के कुल कार्यकाल को देखे तो काल 1594 से लेकर 1664 तक कहा जा सकता है। शाहजी राजा का जन्म 18 मार्च 1594 को हुआ था और उनकी मृत्यु 13 जनवरी 1664 को हुई थी। शाहजी महाराज पहले निजामशाही में और बाद में आदिलशाही में एक सरदार के रूप में प्रमुखता से उभरे। शाहजी महाराज की तीन पत्नियां थी, जीजाबाई, तुकाबाई और नरसाबाई। जीजाबाई के दो पुत्र हुए थे, ज्येष्ठ पुत्र संभाजी और दूसरे पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज। शाहजी महाराज की दूसरी पत्नी तुकाबाई। तुकाबाई और शाहजी का एक बेटा वेंकोजी उर्फ एकोजीराजे था। शाहजी राजा की तीसरी पत्नी नरसाबाई थी और उनके पुत्र संताजी था। शिवाजी महाराज हिंदवी मराठा साम्राज्य के संस्थापक। महाराजा ने बीजापुर के आदिलशाही के खिलाफ रायगढ़ में मराठा राजधानी की स्थापना के साथ साथ मुगलों और यूरोपीय लोगों द्वारा स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें प्रथम छत्रपति होने का गौरव प्राप्त था। 1664 को महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। फरवरी 1630 को जन्म और 3 अप्रैल 1680 को निधन। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई थी। संभाजी शाहजी भोसले। शाहजी राजे के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई थे। उनका जन्म 1623 में हुआ था। जीजाबाई ने अपने चचेरे भाई देवर संभाजी राजे के नाम पर अपने सबसे बड़े बेटे संभाजी का नाम रखा था। संभाजी कर्नाटक में कनकगिरी की लड़ाई में 1655 सी में अफजल खान की घात के कारण मारे गए थे। एकोजी शाहजी राजे जिन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। बाद में शाहजी राजा की मृत्यु के बाद एकोजीराजे ने साम्राज्य को स्थानांतरित कर दिया और तमिलनाडु के तंजावुर में साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बहुत नुकसान हुआ था। अब संभाजी महाराज। संभाजी शिवाजी भोसले छत्रपति शिवराय के सबसे बड़े पुत्र थे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। जब संभाजी राजे केवल 2 वर्ष के थे तब उनकी माता सईबाई का निधन हो गया।
छत्रपति संभाजी राजे की पत्नी का नाम यसुबाई था और उनके दो बेटों का नाम शाहू था। संभाजी राजे को छावा और शंभू राजे के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। 1679 में शंभू राजा मुगलों के हाथों में पड़ गए और 1689 में उनकी छल कपट से हत्या कर दी गई। राजाराम महाराज सन 1670 से 1700। छत्रपति राजाराम महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र थे। उनकी मातोश्री सोयराबाई है। महाराजा की पत्नियां ताराबाई, जानकीबाई और राजसबाई थी। संभाजी महाराज के मारे जाने के बाद ताराबाई का पुत्र शिवाजी द्वितीय औरंगजेब से लड़ रहा था। राजाराम महाराज को छत्रपति का पद विरासत में मिला। राजाराम महाराज ने प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने विश्वस्त सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव की मदद से राज्य का प्रबंधन किया। राजाराम महाराज की मृत्यु 1700 में सिंहगढ़ में हुई। अब छत्रपति शिवाजी द्वितीय राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद ताराबाई ने उनके पुत्र का राज्याभिषेक कर शासन की कमान संभाली। ताराबाई ने मराठा वंश को मरते दम तक बचाए रखा और औरंगजेब से कड़ा मुकाबला किया। भवंती विवाद के कारण ताराबाई के जीवन का एक लंबा काल कारावास में व्यतीत हुआ। अब छत्रपति शाहू महाराज संभाजी महाराज और येसुबाई के पुत्र शाहू महाराज को सतारा की गाधी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। शाहू महाराज का जन्म 18 मई 1682 को सतारा में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1749 को हुई थी। छत्रपति शाहू महाराज माता यशुबाई समेत बचपन से ही औरंगजेब ने कैद कर रखा था। राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने राज्य का प्रशासन संभाला। औरंगजेब ने ताराबाई से शह देने के लिए शाहू महाराज को मुक्त कर दिया। ताराबाई और शाहू ने युद्ध हुआ और फिर एक तह किए। तह में शाहू महाराज के हिस्से में सतारा का शासन तय किया गया। शाहू महाराज ने कुल 50 वर्षों तक शासन किया। आज भी सतारा की गाधी को थोरली गाधी के नाम से भी जाना जाता है। राजाराम महाराज की दूसरी पत्नी राजासबाई ने अपने पुत्र संभाजी को कोल्हापुर की गद्दी पर बिठाया। शाहू महाराज की 1749 में निःसंतान मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद ताराबाई के पोते राम राजा सिंहासन पर चढ़े। नाना साहेब पेशवा की मंशा गोद लेकर सतारा और कोल्हापुर दोनों को एक करने की थी। लेकिन खुद शाहू महाराज ने इसका विरोध किया था। जिस समय संभाजी का नाम सामने आया उस समय ताराबाई ने अपने पोते राम राजा को शाहू महाराज की पत्नी के गोद में डाल दिया। इस प्रकार नाना साहेब पेशवा के इरादों पर पानी फेर गया। शाहू महाराज के बाद भले ही राज्य छत्रपतियों का था, सत्ता पेशवाओं के हाथ में आ गई थी। श्रीमंत छत्रपति उदयन राजे भोसले उदयन राजे भोसले सतारा के छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद के रूप में उभरे। बाद में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता।
लेकिन इस्तीफा देकर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। युवराज छत्रपति संभाजी राजे, अभी शाहू महाराज द्वितीय कोल्हापुर राज्य के शासक हैं। युवराज संभाजी राजे शाहू महाराज द्वितीय के चिरंजीव हैं। वह राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें प्रत्यक्ष वंशज और छत्रपति शाहू महाराज द्वितीय के परपोते के रूप में कोल्हापुर शाही परिवार के उत्तराधिकारी हैं। उन्हें राष्ट्रपति प्रणीत राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। लो प्रोफाइल और मृदुभाषी स्वभाव के राजे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव फीडबैक दे और शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो।